गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, महाराष्ट्र के लोनावला में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, उत्तराखंड में तरक रहे हैं पहाड़। सीआईएसएफ आईटीबीपी के बाद अब बीएसएफ और आरपीएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान। बीएसएफ में अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी मिलेगी छूट। कितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व्ड होगा। डीआरडीओ की एक और बड़ी कामयाबी, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को आसानी से कर सकता है तबाह। बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास, नए कानून में 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। नीतीश कुमार का आरजेडी की महिला विधायक पर विवादास्पद बयान, बोले महिला हो कुछ नहीं जानती हो, चुपचाप सुनो। राबड़ी देवी का पलटवार, बोली नीतीश की पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो, इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। ये लोग महिला का मान सम्मान करता है, ये लोग बेइज्जत करता है महिला का। ममता बनर्जी के बयान का बांग्लादेश ने किया विरोध, भारत सरकार से शिकायत में ममता पर आंतरिक मामलों में दखल देने का लगाया आरोप। ममता ने बांग्लादेश में हिंसा पर दिया था बयान। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी सर्वसम्मति से फिर चुनी गई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य। 2016 में पहली बार आईओसी की सदस्य चुनी गई थी नीता अंबानी। और न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों का भरोसा बरकरार, आज तक को पछाड़ देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। टंकी नहीं, वेक्टर्स। टंकी मतलब वेक्टर्स।